दोस्तों ये बात तो हम सब जानते हैं कि इस साल आईपीएल में 10 टीम्स हैं और हर टीम किसी न किसी की फेवरेट है। जैसे मेरी तो आरसीबी और सीएसके दोनों हैं। वैसे आपकी फेवरेट टीम कौन है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं आईपीएल के 15 सीजन में 5 ऐसी टीम रही है जो किसी न किसी की पसंदीदा थी, पर अब वो टीम आईपीएल में नहीं दिखती। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में यही जानने वाले हैं कि उन 5 आईपीएल टीम को क्यों आईपीएल में अब खेलने नहीं दिया जाता। हालांकि एक ऐसी भी आईपीएल की टीम है जिसे बीसीसीआई ने अपने निजी स्वार्थ के लिए बैन कर दिया था, जिसे हम वीडियो के अंत तक जानेंगे। इसलिए वीडियो में हमारे साथ बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट सनी भारद्वाज और आप देख रहे हैं राइजन इंडिया स्पोर्ट्स। दोस्तों आगे चलने से पहले जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके और आईपीएल के बारे में ऐसी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नंबर 5, गुजरात लायंस। जब 2015 में आईपीएल मैच फिक्सिंग के आरोप में राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स को 2 साल के लिए बैन किया गया, तब उनकी जगह 2 नई टीम्स को लाया गया। उसमें से एक थी गुजरात लायंस और गुजरात टीम के ऑनर इंटेक्स कंपनी के मालिक केशव बंसल थे। नई फ्रेंचाइजी होने की वजह से इन्होंने अपने टीम में बड़े बड़े प्लेयर्स भी शामिल किए, जैसे कि ड्वेन ब्रावो, सुरेश रैना, रविंदर जडेजा, एरोन फिंच, ब्रेंडन मैकलम, डेल स्टेन। इतने बड़े बड़े खिलाड़ी होने के बावजूद गुजरात का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा। सुरेश रैना की कैप्टनसी में खेल रही ये टीम पहले सीजन में तो प्लेऑफ तक गई भी, लेकिन दूसरे सीजन में ये टीम टेबल में सबसे नीचे रह गई। 2 सीजन के बाद जब राजस्थान और सीएसके का बैन खत्म हुआ, तब गुजरात टीम को आईपीएल से डिसकंटिन्यू कर दिया गया। नंबर 4, राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स। राजस्थान और चेन्नई सुपर किंग्स के बैन के बाद आईपीएल में शामिल हुई दूसरी टीम का नाम राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स था। इस टीम के ऑनर संजीव गोयनका थे, वही संजीव गोयनका जो कि फिलहाल लखनऊ सुपर जायंट्स के ऑनर हैं। बेन स्टोक्स, शार्दुल ठाकुर, इमरान ताहिर, फाफ डू प्लेसिस जैसे धमाकेदार खिलाड़ी के साथ साथ महेंद्र सिंह धोनी जैसे बेहतरीन कैप्टन के बदौलत अपने दूसरे सीजन में ही यह टीम फाइनल तक पहुंच गई। पर अफसोस कि फाइनल मैच में मुंबई इंडियंस से सिर्फ 1 रन से हार गई। इतनी शानदार परफॉर्मेंस के बावजूद राजस्थान और चेन्नई सुपर किंग्स के बैन खत्म होते ही गुजरात लायंस की तरह इस टीम को भी आईपीएल से हटा दिया गया। नंबर 3, डेक्कन चार्जर्स। अगर आप आईपीएल को शुरुआती समय से देखते हैं तो आपको डेक्कन चार्जर्स टीम के बारे में पता होगा, जिसके ऑनर डेक्कन क्रॉनिकल ग्रुप है, जिन्होंने 2008 में हैदराबाद को रिप्रेजेंट करने वाली डेक्कन चार्जर्स टीम को 750 करोड़ रुपए में खरीदा था। अपने पहले सीजन में निराशाजनक परफॉर्मेंस के बाद दूसरे सीजन में एंड्री साइमंड्स, एडम गिलक्रिस्ट, रोहित शर्मा और कुमार संगकारा जैसे खिलाड़ियों के बदौलत टीम अपने दूसरे ही सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को फाइनल मुकाबले में 6 रन से हराकर सीजन को अपने नाम कर लिया। पर फिर 2012 में आईपीएल की गवर्निंग काउंसिल ने डेक्कन चार्जर्स को लाइफ टाइम के लिए बैन कर दिया। जब बीसीसीआई से इसके बारे में पूछा गया तो तब बीसीसीआई ने सफाई देते हुए कहा कि डेक्कन चार्जर्स ने कॉन्ट्रैक्ट के नियमों का पालन ठीक ढंग से नहीं किया। बीसीसीआई के अनुसार कई प्लेयर्स और स्टाफ मेंबर को यह टीम टाइम से पेमेंट नहीं कर रही थी। उसके बाद डेक्कन चार्जर्स टीम के मैनेजमेंट ने बीसीसीआई से बैन न लगाने की मांग की, पर बीसीसीआई ने इनकी बात नहीं सुनी और अगले सीजन में डेक्कन चार्जर्स की जगह नई टीम सनराइजर्स हैदराबाद को लाया गया, जिसको सन टीवी नेटवर्क ने 425 करोड़ में 5 साल के लिए खरीद लिया। वैसे बाद में डेक्कन क्रॉनिकल ने बीसीसीआई पे गलत तरीके से टीम को आईपीएल से हटाने का आरोप लगाते हुए कोर्ट में केस किया और काफी सालों के बाद मई 2020 में डेक्कन क्रॉनिकल यह केस जीत गए, जिसके बाद कोर्ट ने बीसीसीआई को 4,814 करोड़ रुपए डेक्कन क्रॉनिकल को कंपनसेशन के तौर पे देने का फैसला सुनाया। वैसे बीसीसीआई को डेक्कन चार्जर्स को हटाने का फैसला उनपे कितना भारी पड़ा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। नंबर 2, पुणे वॉरियर्स इंडिया। पुणे वॉरियर्स इंडिया ने 2011 में आईपीएल में एंट्री ली थी। इस टीम के मालिक सहारा स्पोर्ट्स लिमिटेड, जिन्होंने 1700 करोड़ में इस टीम को खरीदा था, जो कि उस समय आईपीएल इतिहास की सबसे महंगी टीम थी। नई फ्रेंचाइजी होने की वजह से ये टीम भी सभी टीम्स की तरह बड़े बड़े नाम अपने साथ शामिल करने लगे, जैसे कि युवराज सिंह, मिचेल मार्श, एरोन फिंच, सौरव गांगुली जैसे दिग्गज खिलाड़ी
इस टीम में शामिल हुए। इतनी बेहतरीन टीम होने के बावजूद टीम का प्रदर्शन सभी सीजन में बहुत ही खराब रहा और टीम किसी भी सीजन में नॉकआउट राउंड तक भी नहीं पहुंच पाई। पुणे वॉरियर्स इंडिया की मुश्किलें शुरुआती दिनों से ही काफी ज्यादा थी। दरअसल शुरुआत में सहारा ग्रुप ने इस टीम का नाम सहारा पुणे वॉरियर्स रखा था, लेकिन बीसीसीआई ने इस नाम को अप्रूव्ड नहीं किया क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक कोई भी टीम किसी भी ब्रांड का नाम टीम के नाम में शामिल नहीं कर सकती है, जिसके बाद टीम का नाम बदलकर पुणे वॉरियर्स इंडिया रखा गया। दूसरी मुसीबत टीम पे तब आई जब 2012 के आईपीएल ऑक्शन से कुछ टाइम पहले ही सहारा ग्रुप ने अपने टीम को आईपीएल से विड्रॉ कर लिया। सहारा ग्रुप ने बताया कि उन्होंने इस टीम के लिए इतनी ज्यादा बोली यह सोचकर लगाई थी कि 2011 के सीजन में 94 मैचेस होंगे, जबकि बीसीसीआई ने मैचेस कम करके 74 कर दिए थे। इसलिए सहारा यह चाहती थी कि बीसीसीआई उनकी फ्रेंचाइजी फीस कम कर दे। फिर जैसे तैसे बीसीसीआई ने सहारा ग्रुप की ये बात मान ली, पर दो साल बाद 2013 में ही पुणे वॉरियर्स इंडिया को सहारा ग्रुप ने पूरी तरीके से आईपीएल से अलग कर दिया, जिसपे बीसीसीआई ने कहा कि फंड्स की कमी होने की वजह से सहारा ग्रुप ने इस टीम को विड्रॉ किया। नंबर एक, कोची टस्कर केरला। कोची टस्कर को 1533 करोड़ रुपए में कोची क्रिकेट प्राइवेट लिमिटेड ने खरीदा था, जिसको कई अलग अलग कंपनीज ऑन करती थी। शायद इतने सारे ऑनर होने की वजह से ही ये टीम सिर्फ एक साल ही आईपीएल में खेल सकी। एक सीजन के बाद ही बीसीसीआई ने इस टीम को टर्मिनेट कर दिया। बीसीसीआई ने इस टीम को टर्मिनेट करने का रीजन ये दिया कि कोची टस्कर केरला को सीजन से पहले ही बीसीसीआई को 10% बैंक गारंटी देनी थी, जिसमें कोची टस्कर कामयाब नहीं हो पाई और सिर्फ एक सीजन के बाद ही कोची का ये सफर खत्म हो गया। तो दोस्तों, ये थी वीडियो जिसमें हमने आईपीएल से बाहर हुई सभी 5 टीमों के बारे में बताया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और स्पोर्ट्स से जुड़ी ऐसी बेहतरीन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही अगर आप न्यूज़ और एंटरटेनमेंट में भी इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारे सहयोगी चैनल राइजन इंडिया न्यूज़ और राइजन इंडिया बस को भी चेकआउट जरूर करें, जिसका लिंक हमने एंड स्क्रीन और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।